बकरी का दूध तो मैंने मंगवा दिया है लीवर वालों के लिए, अर्थराइटिस और डायबिटीज वालों के लिए ऊँटनी का दूध आजकल में आने वाला है, ऊँटनी का दूध पूरा 100%। और उसको सेल्फ लाइफ उसकी, एक तो ड्राई प्रोसेस होता है, हमने ये इसका ना अभी पूरा, एक तो स्प्रे ड्रायर में करते हैं, एक फ्रिज में करते हैं, ठंडे प्रोसेस से पाउडर करते हैं, वो पाउडर भी दे रहे हैं, कहीं पर भी ले जाओ, सेल्फ लाइफ दो, एक साल तक ख़राब नहीं होता, ले लो पी लो। बात करते टाइप 1 डायबिटीज़ और अर्थराइटिस के लिए रामबाण है ऊँटनी का दूध, वो भी दे रहे हैं। तुमने क्या ठीक किया जवान बेटे? ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरी वाइफ को 4 साल पहले HLA-B27 पॉजिटिव बताया था। HLA-B वो उसको बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, हो जाता है बाद में हड्डियाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। तो तेरी पत्नी तो सीधी खड़ी है? इनको मतलब सिम्टम्स आने लगे थे, डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल के अंदर बेड पकड़ लेगी, 4 साल के अंदर डेथ हो जाएगा। 4 साल में मर जाएगा? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा। और तो बहुत रोई होगी फिर तो ये सुन के। अभी भी बेचारी को याद आ गई हो पिछली, तो बेटी की आंखों में आंसू आ गए कि। और हर वीक 6,000 रुपये का इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था बायोलॉजिकल, तो मतलब और दवाइयाँ लिखी थी जिससे काफ़ी साइड इफेक्ट हुए थे, तो मैंने 1 महीने बाद इनका सब कुछ बंद करा दिया था, और तब से योगा लगातार कर रही है, आगे कुछ भी नहीं हुआ और एकदम नॉर्मल है बिल्कुल। इसको देना माइक देना। ओम स्वामी जी। 4 साल पहले जब इस बेटी को बताया कि तेरे को ये हो गया तो मर जाएगी 4 साल में, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ली हूँ, सिर्फ आपका योगा करके अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है बेटा आपका? खुशबू कुमारी। लो भाई जोरदार ताली बजा दो खुशबू के लिए, ये हिम्मत वाली बेटी है। मैं बिहार पूर्वी चंपारण से आई हुई हूँ। पूर्वी चंपारण? मैं 10,000 रोज कपाल भाती करती हूँ। 200 छोर पर जी? बड़ी हिम्मत वाली बेटी है खुशबू। और 2 घंटा अनुलोम विलोम करती हूँ। 2 घंटा जी? और सुबह शाम लेकर 6 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, और HLA-B27 को मैं आगे कोई पढ़ने नहीं दिया हूँ, मैं चलने सब कुछ करने में समर्थ हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। 4 साल? 4 साल पहले मैं टेस्ट कराई तो पता चला कि 4 साल बाद मर जाएगी, मरी नहीं तो। और उसके बाद मेरे लिगामेंट भी दोनों पैर के कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, डॉक्टर ने बोला कि तुमको तेज नहीं चलना है, तुमको दौड़ना नहीं है। अब दौड़ सकती है? लेकिन मैं दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ। अब चलो माइक उधर दौड़, दौड़ के इधर आओ मेरे पास, दोनों पति पत्नी दौड़ के आओ इधर आओ, तुम भी आ जाओ भैया, नहीं तो तुम भी दूर हो जाते। ये विधवा होती है ना बेटियाँ, ऐसे संस्कृत में बोला जाता है विधुर हो जाते, मीन्स ये खुशबू जिसको 4 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया था, घर पे रह के ऐसे करोड़ों लोग एकलव्य की तरह हमारे शिष्य होकर के योग की साधना कर रहे हैं, एक बार सबके लिए अभिनंदन। अब सब तो आ नहीं सकते ना, 141 करोड़ का भारत है, सब कैसे आएगा भाई, समाएगा कहाँ, इतनी जगह भी नहीं हमारे पास, घर पे करते रहते खुशबू की तरह। अब ये बिटिया जो चल फिर नहीं पाती थी, डॉक्टर ने बोल दिया था मर जाएगी, डेथ वारंट को डेथ वारंट की भी डेथ करके आ गई है। जा बेटा जा, जा, जा। मेरे भाई को नहीं कर दिया, मेरे भाई चलने वाला सक्षम है। कौन है तुम्हारा भाई? मेरा भाई तो बेचारा है, उसी को लेकर आई हूं। अब लो इसको भाई को भी, उसको क्या हो गया? चलने में असमर्थ है। ओ जेनेटिक है, उसकी भी हड्डियां कमजोर, उसको भी ठीक कर देंगे, चिंता मत कर। मुझे 22 बीमारी थी उसमें, अब कुछ नहीं लग रहा है कि 22 बीमारी 22 बीमारी है हमको, सब लिस्ट बना कर लाई हूँ स्वामी जी, लिस्ट बना के लाई है, 22 बीमारी थी ठीक कर ले, चल जाओ बेटा मेरे भाई को ठीक कर दे, तेरा भाई भी ठीक कर दे। ये किसी किसी को जेनेटिकली हड्डियाँ कमजोर होती हैं, सब ठीक हो जाती हैं। ये जिनको भी हड्डियों की भी जेनेटिक बीमारी होती है, स्किन की भी जेनेटिक होती है, माँ बाप को तो बच्चों की भी चमड़ी उधड़ने लगती है, सफ़ेद दाग हो तो बच्चों को हो जाता है, एक्जिमा हो तो माँ बाप को तो बच्चों को हो जाता है, सारी बीमारियां जेनेटिकली होती हैं लेकिन वो सब ठीक होती है। योग से जेनेटिक स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाता है।